एक बहुत बड़ा दानिश्वर साइंसदान है, वो 37 साल की, उसने आज के दिन के लिए एक खाका लिखा। देखो मैं दो साइंसदानों की आपको बात बताता हूँ। एक साइंसदान हॉकिंस था, मरते हुए कह गया कि ये दुनिया 1000 से ज़्यादा नहीं आगे जा सकती। द मैक्सिमम टाइम अलॉटेड टू दिस वन 1000 ईयर्स। आप तो चुप करके काने मलेट लो ना, आँखा बंद कर लो, साढ़े ज़माने इतनी आने लगे, मगर आपके बच्चों के ज़माने, मगर इतनी भी क्या, फिर जो आएगा भुगतेगा। मगर दुनिया के टॉप रैंकिंग कॉस्मोलॉजिस्ट ने आपको एक वार्निंग दी है कि ये दुनिया सिर्फ, इसकी उम्र 1000 साल रह गई है। अगर रिलीजियस व्यू पॉइंट से देखा जाए तो इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 342 से लेकर 52 बरस रह गए, क्योंकि आगे जो हादसात हैं वो नज़र आ रहे हैं। 2023 के बाद खौफनाक तरीन जंगें शुरू हो जाने, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनाहिलेशन शुरू हो जाना है। इसके बाद थोड़े अरसे के लिए एक अच्छी हुकूमत है, वो भी इसकी वजह से कि हमारे रसूल अकरम की ज़ुबान मुबारक से निकला कि ज़माने आखिर में एक खिलाफत बर मिनहाज बर नबूवत जो होगी, उसके अरसा भी 40 वर्ष है, 100 साल। उसके बाद वो दौर शुरू होने वाला है कि जहाँ आज तक हम अकल से जबिलत को काबू करते चले आए हैं, उस हादसे के बाद जबिलत अकल पे काबू पा लेगी। भाई वही जानवर, वही बुत परस्तियाँ। हजूर फरमाते हैं कि वही, अगर पहले किसी ने सांप के बिल में हाथ दिया था तुम भी दोगे, अगर पहले किसी ने बुत परस्ती में ये सारी आदतें तो वो करोगे, हत्ता के तुम बिल्कुल मुतशाबे हो जाओगे उन अकवाम के जो तुमसे पहले गुजरी हैं। फिर कयामत का नज़ूल हो। पूछा या रसूलल्लाह कयामत कब नाजिल होगी, इसका जवाब बड़ा इम्पोर्टेंट। फरमाया जब दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला शख्स नहीं रहेगा। बस ये याद है। अब अगर आप चमचाओ तो मैं बता सकता हूँ कि अगले 10 बरस तक आप जानवरों से हम कलाम हो जाओगे, आपका कोई बंदा घूम नहीं सकेगा। एक चिप लगाई जाएगी, दुनिया के किसी कोनों में भी चले जाओ वो अपना चिप में जाएगी। ये देखो मेरे पास आए, शायद मैंने इस पे तकरीर करनी थी मगर जो मैं कर रहा हूँ यही इसकी बुनियाद है, जो मैं बात कर रहा हूँ यही इसकी बुनियाद है कि the only basic thing to believe in the values of life is one simple, कि do you believe in God or do you not believe in God। जो खुदा पर यकीन रखते हैं उन्हीं की अकदार में तब्दीली आती है और किसी की नहीं आती। ये अच्छी तरह याद रखिए, the only basic जो फ़लसफ़ा है, दुनिया है, तालीमात है, वो ये कि टू होम डू यू बिलीव, आपकी कमिटमेंट किस सिस्टम के साथ है, डेमोक्रेसी के साथ है कि अल्लाह के साथ है, आपकी कमिटमेंट क्या कहती है, कौन सा सबक पढ़ाती है, कौन से इखलाक पे आपने अमल करना है, वेस्टर्न थेरेपी पे जाना है, वेस्टर्न सिस्टम पे आज़ादी के किस तसव्वुर की हिमायत करती हैं, वो जो अल्लाह दे रहा है, जो उसकी रसालत दे रही है, और जो वेस्ट दे रहा है।